हूँ राजेश, ये है गैलेक्सी A52 और इस वीडियो में इस फोन की विस्तार में चर्चा होने वाली है। पर उसके पहले हमें चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। गैलेक्सी ए सीरीज सैमसंग के लिए बहुत ही पॉपुलर है एंड गैलेक्सी A50, A50s और A51 सैमसंग के लिए बहुत ही पॉपुलर थे एंड गैलेक्सी A52 भी सैमसंग की तरफ से एक सॉलिड ऑफरिंग है, लेकिन परफेक्ट नहीं है एंड टिपिकल सैमसंग इश्यूज है इस फोन में। कहीं कहीं पे कुछ अननेसेसरी कॉस्ट कटिंग्स है। कॉम्पिटिशन से अगर आप देखोगे तो ये फोन क्लियरली इन्फीरियर है, बट क्योंकि ये सैमसंग का फोन है और ऑफलाइन में भी मिलता है तो इसे बहुत छूट दिया जाता है। तो इस फोन के कुछ इश्यूज मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इस फोन की जो स्पेसिफिकेशंस है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। इस फोन में आपको मिल रहा है एक 6.5 इंच का FHD प्लस रेजोल्यूशन का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट है एंड आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल रहा है। फिर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। फिर इंटरनली आपको इस फोन में मिल रहा है एक स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट, अप टू 8GB रैम, 6 या 8GB के मॉडल्स इंडिया में लॉन्च हुए हैं, 128 या 256GB की स्टोरेज मिल रही है। फिर इस फोन में पीछे में आपको मिल रहा है क्वाड कैमरा सेटअप जो इंक्लूड करता है 64 मेगापिक्सल का OIS वाला प्राइमरी कैमरा, फिर एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और वही 5 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो कैमरा। सामने में एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी है। बैटरी के डिपार्टमेंट में आपको इस फोन में मिल रहा है एक 4500mAh की बैटरी। हाइलाइट्स जो है इस फोन की, क्लियरली इसका डिजाइन एक हाइलाइट है, IP67 सर्टिफाइड है पहले तो ये फोन, यानी कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो फोन की स्टैंडर्ड वारंटी है ना वो लिक्विड डैमेज कवर करती है। फोन अगर पानी में गिर के खराब हुआ तो भैया पॉकेट से एक पैसा जाने वाला ठीक कराने के लिए। डिजाइन अगर आप देखोगे इस फोन का तो एकदम गैलेक्सी S21 सीरीज जैसा है, पर सेकेंड कॉपी है, फर्स्ट कॉपी नहीं है। जहां पे गैलेक्सी S21 को आप हाथ में पकड़ोगे तो फोन प्रीमियम फील करता है, यहाँ पे जब आप गैलेक्सी A52 को हाथ में पकड़ोगे तो भाई दूर से तो देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब हाथ में पकड़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये थोड़ा इन्फीरियर है, कहीं कॉस्ट कटिंग हुई है। सेंसिबल भी है क्योंकि चैसी वैसी जो है वो आपका प्लास्टिक का है, पीछे जो आपको फ्रॉस्टेड बैक मिल रहा है ये भी ग्लास का नहीं है, प्लास्टिक है, तो इन हैंड फील में डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। स्पेक्स अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट है, यानी कि इस फोन में आपको किसी भी तरह का 5G सपोर्ट नहीं मिलता है। जहां पर Redmi Note 10 सीरीज में 5G मिसिंग था तो बहुत बड़ा इशू हुआ था, भाई किस फोन में 5G कैसे नहीं है, Xiaomi ने कैसे एक फोन लॉन्च कर दिया जिसमें 5G नहीं है। वही Samsung भी वही कर रहा है भाई, एक फोन निकाल रहा है जो कि एक्चुअली ज्यादा महंगा भी है, 25-26 हज़ार का है Galaxy A52 और इसमें आपको 5G सपोर्ट नहीं मिलता है। बट जैसा मैंने आपने पहले एक वीडियो में बताया था, इट्स नॉट रियली बिग डील कि अगर आप अभी एक फोन खरीद लेते हैं इंडिया में जिसमें 5G नहीं है, क्योंकि इंडिया में 5G नेटवर्क आने में ही अभी बहुत टाइम है। सैमसंग यहाँ पे जो गैलेक्सी A52 का 5G वर्जन है जिसमें आपको एक ज्यादा पावरफुल स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट मिल रहा है, वो इंडिया में नहीं लॉन्च कर रहा है। डिस्प्ले की साइज 6.5 इंच की है, थोड़ा छोटा है क्योंकि जनरली आपको 6.7 इंच की डिस्प्ले साइज मिल जाती है, लेकिन सुपर एमोलेड पैनल है एंड 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो व्यूइंग एंगल्स एक्सपीरियंस अच्छे हैं, प्लस स्टीरियो स्पीकर्स है फोन में तो कंटेंट कंजम्पशन के लिए तो आपको मजा ही आने वाला है। इशू ये जरूर है कि 25-26 हज़ार के फोन में भी सैमसंग ने एक स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं दिया, मतलब कॉस्ट कटिंग की भी हद होती है यार, आपने स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं दी है तो वो आपको अलग से लगाना ही होगा एंड डेफिनेटली लगा लेना, क्योंकि भले ही सामने में स्ट्रेंथेंड ग्लास हो स्क्रैच लगता ही है भाई चाहे जो भी ग्लास हो। बैटरी के मामले में मैंने आपको ये तो बताया कि ये फोन में आपको मिल रहा है 4500mAh की बैटरी, बट साथ ही साथ इसमें आपको 25 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है एंड सैमसंग ने थैंकफुली बॉक्स में चार्जर भी इंक्लूड किया है। पर अगेन यहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग है, 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है लेकिन मिल रहा है बॉक्स में आपको 15 वॉट का चार्जर एंड बॉक्स में बस एक USB केबल अलग से मिल रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, कोई केस वेस आपको नहीं मिल रहा है भाई, वो सब के लिए अलग से पैसा खर्चा करना ही पड़ेगा आपको। 15 वॉट का चार्जर है, 4500mAh की बैटरी है तो चार्जिंग स्पीड समझ लो भाई स्लो होने वाली है, 1.5 आवर से थोड़ा ज़्यादा लगता है इस फोन को फुल चार्ज होने में, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा है कंसिडरिंग कि इसमें आपको सिर्फ 4500mAh की बैटरी मिल रही है। वहीं पर अगर आप गैलेक्सी A72 देखो ना तो उस फोन में आपको 25 वॉट का चार्जर बंडल्ड मिलता है और वहाँ पे एक बड़ा डिस्प्ले भी है, बट अगेन वो फोन थोड़ा महंगा भी है।
कैमराज के इनिशियल इंप्रेशंस अच्छे हैं, 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी शूटर है क्योंकि उसमें OIS है तो इंप्रेसिव फोटोज ले लेता है, स्पेशली लो लाइट में जहां पे OIS के कारण डेफिनेटली इसे एक एडवांटेज मिल रहा है बाकी जो भी फोन्स हैं उनसे। एंड नाइट मोड भी बहुत अच्छा है, प्लस नाइट मोड आपको फ्रंट कैमरा के लिए भी मिलता है एंड साथ ही साथ स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको फ्रंट कैमरा के लिए मिलती है, क्योंकि जनरली बहुत सारे फोन्स हैं इस रेंज में जो कि फ्रंट कैमरा के लिए ये सब फीचर्स नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने ऐसा नहीं किया एंड इस फोन की डेफिनेटली कैमरा परफॉर्मेंस इसकी हाईलाइट होने वाली है। सॉफ्टवेयर में ये फोन में आपको मिल रहा है One UI 3 जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 11 पे। One UI मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट एंड्रॉइड स्किन्स है, इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस तो हैं ही, प्लस UI UX भी बहुत सॉलिड है, एक रिफाइंड एक्सपीरियंस आपको मिलता है एंड ब्लोटवेयर इंस्टॉल्ड है, एड्स नहीं है, लेकिन स्पैम नोटिफिकेशंस आएंगे आपको मिलेंगे ही सैमसंग के प्री इंस्टॉल्ड ऐप से। इस मामले में सैमसंग शाओमी सब भाई एक ही जगह है, कोई डिफरेंस नहीं है। परफॉर्मेंस की बात रही तो स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट जो है कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, जनरली हमें आजकल 15-20 हज़ार के फ़ोन्स में देखने मिलते हैं, यहाँ पे क्योंकि सैमसंग है तो भैया छूट दे दिया जाता है कि तो थोड़ा कमज़ोर प्रोसेसर यूज़ कर लेता है। 90 हर्ट्ज़ के डिस्प्ले को ये ठीक ठाक सपोर्ट कर लेता है, कुछ ऐसे लैग्स और स्टटर तो मुझे अभी तक नहीं दिखे हैं, बट हाँ ये है कि ज़्यादा हैवी गेम्स और एप्लीकेशन अगर आप लोड करोगे तो थोड़ा बहुत स्किप्ड फ्रेम्स एनिमेशंस आ ही जाते हैं, वो नेचुरल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है सॉफ्टवेयर के परस्पेक्टिव से कि सैमसंग की जो 4 ईयर की सिक्योरिटी पॉलिसी है और जो 3 मेजर OS अपडेट्स का प्रॉमिस है वो इस फोन के लिए भी एप्लीकेबल है, मतलब अगर आप इस फोन को आज खरीदते हो तो आप ये श्योर रहोगे कि इसे 4 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, हो सकता है मंथली ना मिले, क्वार्टरली मिले, लेकिन मिलेंगे जरूर। एंड साथ ही साथ इसे 3 मेजर एंड्रॉयड OS अपडेट्स भी मिलेंगे, एंड्रॉयड 11 पे लॉन्च हुआ है, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 एंड पॉसिबली इवन एंड्रॉयड 14 तक का अपडेट इस फोन को मिलेगा। लेट हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मिलेगा जरूर। ये एक ऐसा चीज है जो बाकी बजट फोन्स जो हैं इंडिया में अभी उनके लिए कहना बहुत ही मुश्किल है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गैलेक्सी A52 एक सॉलिड ऑफरिंग है सैमसंग से, टिपिकल सैमसंग के कॉम्प्रोमाइजेस हैं लेकिन फोन ओवरऑल तो अच्छा है एंड ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है जिन्हें सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और कैमरा एक्सपीरियंस से बहुत मतलब है। अगर आपके लिए परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अगर आप एक गेमर हो तो आपको गैलेक्सी A52 नहीं लेना चाहिए, तब आप अपने पैसे बचा के और भी जो डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं शाओमी से या फिर रियलमी से वो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए, अगर एक फोन चाहिए जिसकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छी हो, जिसे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे और एक रिफाइंड एक्सपीरियंस हो, एंड अगर आप इन सब चीजों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करने के लिए रेडी हो तो आप गैलेक्सी A52 ले सकते हो। अदरवाइज Redmi Note 10 Pro Max एक बहुत ही सॉलिड अल्टरनेटिव है इस फोन का एंड सस्ता भी है, विच इज एन एडेड बोनस। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको गैलेक्सी A52 के कुछ टॉप और हिडन फीचर्स पता चले हो, इसके प्रोज एंड कॉन्स पता चले हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।